हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। और देखिए, आप लोग का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है कि इधर उधर से पूछा जाएगा। जो आप लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, वही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए मैं आप लोग को जो लेकर आया हूँ, आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूँ। और ये हमारा क्या है, वीडियो नंबर वन है। इसी तरीके से हम लोग जो 10 मॉडल पेपर को लेकर आने वाले हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, यानी सभी सब्जेक्ट का, इसी तरीके से मैं 10-10 मॉडल पेपर को लेकर आने वाला हूं। और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को फ्री में देने वाला हूं। वो कहां पर दूंगा, यहां पर देखिए गूगल में आप लोग को सर्च करना bbpl.com, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आज यहां पर देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री का है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक से और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो एक नंबर का राइट आंसर क्या, 1526 ईस्वी में हुआ था। तो थोड़ा सा हम स्पीड में चेक करेंगे, ठीक है, और आप लोग भी जवाब जो तेजी तेजी से दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी 1757 में करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बतानी है, तो इसका 3 नंबर का राइट आंसर छी नंबर का, यानी पामरेस्टर। क्या नाम था, पामरेस्टर नाम था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो वेस्ट ना हो और आप जो एग्जाम की तैयारी के लिए और जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये फटाफट पढ़ करके चले आएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे से बना के आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, तो इसका राइट आंसर नेपोलियन से की जाती है, करेक्ट आंसर होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी काशी में हुआ था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि झांसी में हुआ था, गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, काशी में हुआ था। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कबीर का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था। तो कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, करेक्ट आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था, आप लोगों को बताया होगा तो फटाफट से बोलेगा, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं सुभाष चंद्र बोस, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को फ्री में पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है तो आप लोग गूगल में जाइएगा, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, लिख देना है, वहाँ पर आप लोग को फ्री में हर कुछ पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर गैस पेपर सारा कुछ मिल जाने वाले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, यहाँ देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर डी नंबर, कैटिल चाणक्य, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग ने अगर स्पीड लग रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शहीद आजम किसे कहा जाता है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर, नहीं सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 नंबर का, तो 11 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर असहयोग आंदोलन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि ये सारे प्रश्न हम पढ़ लिए हैं, लेकिन आप लोग क्या कहिएगा और भी लगातार जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न आने वाला है। और देखिए मैं पिछले जो है 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 5 सालों में से आप लोगों का जो है जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वही सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, चलिए तो डी नंबर है महावीर स्वामी, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला यहाँ पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के समय भारत का बादशाह कौन था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का, श्री नंबर का, बहादुर शाह जफर द्वितीय, क्या होगा, तो श्री नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 14 का राइट आंसर होगा, श्री नंबर, 1931 में हुआ था प्यारो। ठीक है जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो श्री नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत का संविधान के पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है
के तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या 16 नंबर का ए नंबर, ए नंबर का पाटलिपुत्र करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या सी नंबर, सी नंबर में क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब देखिए अगला देखिए क्या बोल रहा है कि मीरा किसकी भक्त थी? तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, क्यों कि मीरा जो है आप मतलब किसकी भक्ति थी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट में देखा हूँ गलत बता रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं 18 नंबर का। ठीक है चलिए फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कृष्ण कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 1885 में हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये आप लोगों को पता होगा कितने बार आप लोग पढ़ चुके होंगे ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न आने वाला है प्यारे। ठीक है जी, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ लगातार धीरे धीरे करके, और सुबह 8 बजे वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर, ए नंबर क्या होगा यानी श्रीरंगपट्टनम में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ने, तो विरूपाक्ष मंदिर जो हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को 20 नंबर का क्या होगा ए नंबर। ठीक है ए नंबर होगा यानी हम्पी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 21 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जाएगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा श्री नंबर, श्री तलवंडी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है देखिए आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बनी थी? तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को बता रहे ए नंबर, ए नंबर क्या एनफील्ड, क्या नाम था एनफील्ड नाम था। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि हड़प्पा नदी के किनारे स्थित था, तो स्थित है तो कौन है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर देखिए आप लोगों को फटाफट से बताने हैं, तो 24 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? तो इंडिका में मेगास्थनीज का यात्रा वृतांत है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 25 नंबर का ए नंबर, क्या ए नंबर होगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, तो 26 का डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 1773 में इसका जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? तो 27 का राइट आंसर श्री नंबर यानी हरिसेन ने की थी। ठीक है और देखिए 100% आप लोग श्योरिटी के साथ देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज होना चाहिए कि आप लोगों ने बिलीव होना चाहिए कि ये सारे प्रश्न आने वाला है। ठीक है और आप लोग को ये भी लगेगा कि यार ये सब प्रश्न तो हम कितना बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए जितना हो सके, जब तक देखिए आप लोग ज़्यादा दिन तक याद मत रखिएगा, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मतलब पूरे ज़िंदगी याद रखिएगा तो अच्छा है। अगर आप लोग एग्ज़ाम से पहले पहले ये सारा इतना बार रिविजन कर लीजिए कि एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा आप लोग टाइम से पहले पहले बना के आ जाओगे। ठीक है चलिए तो 1857 के को किसने स्वतंत्र संग्राम कहा था? तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलना आप लोग, ए नंबर, ए नंबर वीडियो सावकर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोले, डी नंबर जैन धर्म से है श्वेतांबर और दिगंबर का। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ए नंबर का निकोली कोंटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप लोग अभी तक बताइएगा कितना आंसर आप लोग का सही हो रहा है, और अगला जो इन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन सा वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का चाहते हैं आप लोग बोलिएगा जरूर। चलिए तो 31 नंबर देखिए क्या बोला जाएगा कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो है 1826 में किसने उल्लेख किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर चार्ल्स मेसन ने किया था, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है प्यारे चलिए और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इस पीडीएफ को कैसे मिलेगा और कहाँ से आप लोग जो है नोट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक है अभी ये भी बता दूंगा। अब देखिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देखिए आप लोगों के लिए जो बहुत फायदेमंद ये चैनल है, क्योंकि जैसे ही आप लोग का जो इन एक दो घंटा पहले जो क्वेश्चन अगर वायरल हो जाती है आउट हो जाती है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है चलिए तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर होगा श्री नंबर का यानी राहुल दास बनर्जी हो जाएगा, आर डी बनर्जी इसका नाम शॉर्ट में होता है। अब देखिए पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा तो ए नंबर साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? वहाँ पर पूछा गया था कब की थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया किसने की थी, तो राइट आंसर क्या होगा 34 नंबर का तो डी नंबर, डी नंबर क्या होगा यानी सॉरी विलियम जॉन्स ने किया था। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप
सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को यानी कहा जाता है? तो 35 का राइट आंसर का बी नंबर समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो 36 का राइट आंसर बी नंबर क्या था? नेपोलियन। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है आप लोग को। और सब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो 37 का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या है? प्रभावती गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कैटिले की कृति है, तो 38 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? अर्थशास्त्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत के यानी भारत में किसके दरबार में आया था? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी कैसे होती है? तो यहाँ पर क्या होगा, 40 नंबर का बी नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना है आप लोग को, यानी प्रयाग परस्ती राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, तो किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बी नंबर क्या होगा, अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, ए नंबर मौर्य वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है किस शासक, तो 43 का करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये कई बार आपको एग्जाम में लगातार घूम घूम के वही सारे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसलिए जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 44 नंबर कि कनिष्क का राजवंश कब हुआ था? तो 44 का राइट आंसर क्या बी नंबर में क्या देगा, यानी 78 ईसा पूर्व में। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा जो है विवाह संपन्न किया था? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, बिरोनी गंधर्व विवाह किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर का भू राजस्व का एक प्रकार। ठीक है, भू राजस्व का एक प्रकार करेक्ट आंसर, ये गोपुरम से आपने मंदिर का प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर, उलट पलट हो गया शायद, क्योंकि यहाँ 46 है 47 है। ठीक है, तो जी 47 राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा। निम्न में से विजयनगर की यात्रा की, तो निम्न में से विजयनगर की यात्रा किसने की थी? फटाफट से बोलना है आप लोग, 48 नंबर का, तो ए सी नंबर होगा, निकोली कोंटी, करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, 49 का ए नंबर, यानी विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो 50 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, नहीं विजयनगर से, क्या हो जाएगा, विजयनगर राइट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग कोई सा भी प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट है, अभी दिक्कत है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ठीक है, और देखिए मैं आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहा हूँ कि आप लोग PDF कैसे मिलेगा, नोट्स कहाँ से लेना है, PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव। अगर आप लोग देखिए पेड नोट्स लेना चाहते हैं, पेड क्लास में, मतलब जैसे नोट में क्या है, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 7903288689 पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या ये तो कॉल अभी नहीं रहेगा, मैसेज कर सकते हैं। और देखिए आप लोग को इसमें जो 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोग फ्री में लेना चाहते हैं, तो फ्री में मैं बता रहा हूँ, देखिए फ्री में आप लोग को कैसे कैसे कहाँ से मिलेगा। देखिए तो देखिए गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है, क्या टाइप करना है, bbphelp.com टाइप करना है। ठीक है, bbphelp.com टाइप करिएगा, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से जो है हर कुछ मिल जाने वाली है। यहाँ से देखिए आप लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएगा, यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, तो नीचे से आप लोग यहाँ से क्या पढ़ सकते हैं कि यानी मॉडल पेपर और सब्जेक्टिव, सॉरी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। और देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर डाउनलोड है, तो डाउनलोड के बटन में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बाकी देखिए आज का जो मैं पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया, तो यहां पर आप लोग को जो देखिए ऑनलाइन टेस्ट इधर से मिल जाने वाली है। तो यहां से देखिए एक बार मैं देखिए पढ़ा के बताता हूं आप लोग को कैसे पढ़ना है। आप लोग को जैसे ही मॉडल पेपर यहां पर लिखा हुआ है, तो मॉडल पेपर के सामने में आप लोग क्या कीजिएगा कि देखिए एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग करना है क्या कि इसमें क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिए, हाँ नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिए
क्या लिख लीजिएगा, मतलब हिस्ट्री मॉडल पेपर है। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हिस्ट्री है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिस्ट्री का। उसके नीचे थोड़ा सा कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी का है, ठीक है, यहाँ पर है ना हिंदी, हिंदी का है। उसके नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, ज्योग्राफी का है। उसके नीचे आइएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। नीचे आइएगा, यहाँ पर सब सब्जेक्ट आप लोग को दिया हुआ है। अब जैसे मान लिए मुझे इकोनॉमिक्स की पढ़ने हैं, तो इकोनॉमिक्स में सामने ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर सारा यानी मॉडल पेपर आ चुका होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डाउनलोड के बटन में ही यहाँ पर देखिए एक नंबर एक सेट को पढ़ना है, तो सेट नंबर एक में क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नीचे देखिए, नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए, देखिए नीचे देखिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पढ़ना है, तो निम्न से कौन आर्थिक समस्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए और आंसर आप लोग को नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा कितना शानदार तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के जय हिंद जय भारत।